वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बाबा के नाम से। श्री हेमकुंड साहिब जी का ट्रैक 6 किलोमीटर का है गोविंद धाम खंगेरिया से, एंड आखिरी के 3 किलोमीटर की चढ़ाई शायद आपको थोड़ी ज्यादा लग सकती है। सी, सुनने में सब अच्छा लगता है एंड देखने में हसीन और खूबसूरत, लेकिन सच्चाई से रूबरू वही होता है जो उस पल पर वहां पर होता है। एंड इस सुंदर सी जगह को गुरु गोविंद देव जी ने अपने तप के लिए चुना था। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे गोविंद धाम से, एंड साथ ही साथ आपको पहले रूबरू करवाता हूँ कुछ हसीन वादियों से। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सो वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 3 और कल रात हम लोग गुरुद्वारे में रुके थे। फिलहाल हमने स्टे यही लिया और बहुत जेन्युइन स्टे था, बहुत बढ़िया था, क्लीन है, हाइजीन, एवरीथिंग इज़ गुड। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि होटल से बढ़िया आप गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे के भवन में आके रुके। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे, चाय पीने जा रहे हैं बेसिकली अभी। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, जो अभी हम लोग हैं वो है गुरुद्वारे में गोविंद धाम के। तो अभी बज रहे सुबह के 6 और हम लोग अब सब रेडी हो गए हैं, ऑल सेट टू गो। और ये हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये है कुछ ऐसा रास्ता यहाँ से ऊपर जाने का, एंड बारिश जो हो रही है पूरी कल रात से ही हो रही है, अभी तक रुकी नहीं है। सभी 2 किलोमीटर कवर किए हैं हमने, एंड यहाँ से भी 4 किलोमीटर और रह गया। कल के कंपैरिजन में कल हमारे पास सामान था इसलिए हमें ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। आज टेरेन लाइक सेम काइंड ऑफ है। इट्स सो कोल्ड पर मज़ा आया। ये देखो घाटी, अमेजिंग। एंड यहाँ से डिस्टेंस अब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर रह गया, जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ज़्यादा ठंडा होते जा रहा है। यहाँ से ये स्टेयरकेस जा रही सीधे ऊपर, आई एम कन्फ्यूज स्टेयरकेस लूँ या ना लूँ। चलो ट्राई कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम है, लेट्स डू इट। कुछ सुना आपने, यहाँ से गुरबाणी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रही है। सो पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती हैं एंड अपने आप ही आप मोटिवेट होने लग जाते हो। सो थकान तो बहुत है बट मोटिवेशन भी उतना ही है, लेट्स गो। ये जगह स्पेशली मेरे को रूपकुंड गई जहाँ हम पहुँचने वाले थे ना, उस प्लेस की जगह याद दिला रही है, वही ठंडी हवा, बारिश। श्री बाबा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पहुँच गए हैं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सीढ़ियों का रास्ता जहाँ से मैं ऊपर आया हूँ अभी, या आई थिंक पैदल वाला रास्ता है जो आ रहे हैं। साढ़े 9:21 एग्जैक्ट बोलो तो 9:21 पे जाके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, एंड आई डोंट नो मेरे दोस्तों का भी कहाँ है, अभी उनको भी देखना पड़ेगा, फिर जाके दर्शन करेंगे सबके साथ। इससे आए थे यहाँ पे तो अब सोचा डुबकी भी लगा लेते हैं इस कुंड में। आपको एक और चीज से रूबरू करवाता हूँ। श्री हेमकुंड साहिब जी चारों तरफ से ग्लेशियर हिमनंदों से घिरे हैं। इन्हीं हिमनंदों का बर्फीला पानी जिस कुंड का निर्माण करता है उसे ही हेमकुंड यानी बर्फ का कुंड कहते हैं। Thank you.
आके थोड़ा सा मौसम खुला है यहाँ पे, मैं तो सारे दर्शन वर्शन कर लिए, दोस्त लोगों ने अभी दर्शन नहीं करे, सो उस टाइम में मैं बैठा ही हुआ था और कुछ ऐसा है यहाँ पे का नज़ारा। अभी तक पूरा धूप में कवर था बट फिलहाल एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। यहाँ पे आप स्नान करके अपना चेंज वेंज कर सकते हैं। ये है शोर जूता ग्रह, वहाँ से एंट्रेंस था अंदर, यहाँ से रास्ता गुरुद्वारे का। अरदास भी अटेंड कर ली और अब लंगर की खिचड़ी चल रही है। तो भाई बढ़िया दर्शन हो गए एंड अब वापसी है वहीं गंगेरिया गोविंद धाम पे। अभी सीढ़ियों से नीचे उतरे, घुटने तो कांप गए। आई डोंट नो 885 है 985 पर, जहाँ तक 885 सीढ़ियाँ हैं पूरी पूरी। तो अभी जस्ट वहीं से उतरा हूँ मैं, मैंने कहा ट्राई करते देखते कितनी है, शुरू से गिनी टॉप से लेकर बॉटम, बॉटम नहीं मतलब यहाँ तक जो भी है। और वेदर चेकआउट करो, रेनफॉल अभी तक नहीं रुका है। लाइक कभी भी आप इतने हाई एल्टीट्यूड में आते हो प्लीज़ अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवा लो, बिकॉज ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी फैमिली भी आपसे जुड़ी हुई है एंड जो आपके साथ जा रहे हो उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पैनिक सिचुएशंस हो जाती हैं। तो इस चीज़ का तो खास तौर पर ध्यान रखा करो एंड एक केस अभी जस्ट हुआ है, सो जो साथ में था वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। सो इट्स बेटर टू टेक मेडिकल चेकअप्स बिफोर कमिंग टू दिस सच हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस। सी वेयर नेक्स्ट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, यहाँ से रास्ता मिला है, बहुत ब्यूटीफुल सी जगह है एंड लुक हाउ इट इज़ लुकिंग। कैसे लगे सिनेमैटिक्स? वो उधर जाना पड़ा इतना ऊपर झरने के पास, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब सीधे हम लोग जा रहे हैं रूम पर, आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा है, सिनेमैटिक्स अच्छे लगे हैं, हेमकुंड साहिब के दर्शन आपको अच्छे हुए हैं, कोशिश करिए तो यस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो इसी के साथ जल्दी कमेंट भी कर देना एंड जल्दी मिलेंगे हमसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।